एयरपोर्ट शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस, या ये इनकी पहले वाइफ है और 125 की डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ लीगली वेडेड वाइफ आती है। हमने इस डायनेमिक प्रोविजन का सेक्शन 2A की और 2F की डेफिनेशन डोमेस्टिक रिलेशनशिप का फायदा उठाते हुए उनको मेंटेनेंस ऑर्डर दिलाने में कामयाबी पाई। और मैं समझता हूं कि अगर फिर मौका मिला तो मैं आपको बात करूंगा। थैंक यू। थैंक यू। सॉरी हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं, आप ग्रुप में बैठो, बाद में जब कीर्ति एडवोकेट कीर्ति समाप्त करेगी तो थोड़े बहुत हिंदी में भी करेगी ना। मैं आई कॉल अपॉन इंग्लिश में करेगी और थोड़ा हिंदी में भी। और मैं आई कॉल अपॉन एडवोकेट प्रहलाद व्यास फ्रॉम राजस्थान एंड देन वी आर गोइंग टू हैव एडवोकेट another advocate from Rajasthan instead of Uttarakhand. So we'll finish Rajasthan first and then move on to Uttarakhand. Advocate Atishak Krishti after that. Myself, Advocate Prahlad Rai Vyas, Bhilwara, Rajasthan. मैं महिला सलायन सुरक्षा केंद्र 22 जुलाई 2004 से जुड़ा हूँ। वहाँ पे करीब 826 केसेस को हमने वहाँ एनरोल किया और मैक्सिमम हमारा प्रयास ये रहा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जो सेक्शन 12 है उसके अंदर हमको परिवार कम से कम फाइट करना पड़े। तो हमने काउंसलिंग सिस्टम से या लीगल सपोर्ट के माध्यम से, लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से भी हमने काफ़ी महिलाओं को मदद करने की कोशिश की। एक केस मेरा सबसे तकलीफ से जुड़ा हुआ भी है, पर मैं चर्चा इसलिए करना चाहूँगा कि लंबे समय तक राजस्थान में मजिस्ट्रेट की सीट्स वैकेंट रही, सीट्स वैकेंस रहने के कारण हम डोमेस्टिक वायलेंस का पूरे सिटी का जितने भी थाना है उनका एक ही जगह पे केसेज आते हैं। तो पूरा भीलवाड़ा शहर की जनसंख्या 4 लाख है, पर मैक्सिमम केसेज इसलिए सफर करते हैं कि सीट वैकेंट या कोर्ट एडवोकेट स्ट्राइक्स। पिछले 8 महीने में भीलवाड़ा जिले के अंदर एडवोकेट्स की स्ट्राइक या वैकेंट सीट के कारण हम मैक्सिमम रिजल्ट नहीं ले पाए। पर एक केस जो सबसे महत्वपूर्ण है, गीता बनाम बालू का केस, जिसमें वो महिला बहुत बुरी तरह पिट के आई थी और उसका हमने मेडिकल करवाया, उसके बाद में हमने 0 नंबर की उसकी FIR काट के उसके हस्बैंड को हमने पागल किया। और उसका फायदा ये हुआ कि वो महिला अपने घर में इतनी सुरक्षित है कि वो उसका पति उस एरिया में घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। सबसे बड़ा जो फायदा हुआ वो सबसे बड़ा ये हुआ कि मजिस्ट्रेट का, पुलिस का हमने इस्तेमाल किया कि ये उसको पाबंद करवा दिया हमने, वो उस एरिया में पति घुसने की हिम्मत नहीं कर रहा है। हालांकि 1.5 साल हो गए हैं, वो केस अभी डिसाइड नहीं हुआ है, परंतु शेल्टर टू होम उसका परफेक्ट हो गया है। दूसरा चीज ये है कि औरत आराम से अपना इकोनॉमिकल जो उसका बिजनेस है, जो सिलाई और टेलिंग और कटिंग का काम करती, वो इजी गोइंग उस काम को कर पा रही है। उसको किसी भी प्रकार से मेंटली और फिजिकली और इकोनॉमिकली वायलेंस से उसको पूरी तरह लगभग मुक्त कर दिया गया है। तो इस तरह के केसेस के बाद हमारी जो प्रॉब्लम ये आ रही कि वैकेंट सीट होने के कारण एक तो हम रिलीफ नहीं दे पा रहे, दूसरा ये कि एडवोकेट स्ट्राइक के कारण हम कितना ही एफिशिएंट रहे पर सामने वाला एडवोकेट यदि स्ट्राइक पे है तो कहेगा कि हम स्ट्राइक पे इसलिए आपके इसमें ट्राइक के अंदर शरीक नहीं हो पाएंगे। तो ये भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ रही है। कल आज भीलवाड़ा के अंदर 208 केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के एंड ऑन हैं, पर सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उसमें से 1.5 साल 2 साल पुराने केसेस भी हैं और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। परिवार परामर्श केंद्र, महिला सलाह और सुरक्षा केंद्र और डिस्ट्रिक्ट महिला सहायता समिति के माध्यम, डिस्ट्रिक्ट महिला सहायता समिति के पास भी कोई बजट नहीं होने से हम वुमेन्स को कोई इम्पावर नहीं कर पा रहे हैं, उनका ट्रेनिंग नहीं करवा पा रहे हैं, इसके कारण भी वायलेंस में हम कोई परफेक्ट रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिक जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि मजिस्ट्रेट्स को, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को जब तक सेंसिटाइज नहीं किया जाएगा तब तक हम इस एक्ट के जो परफेक्ट रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वुमेन राइट्स ह्यूमन राइट्स है और ह्यूमन राइट्स को यदि हमको एक्टिवेट करना है तो सेंसिटाइजेशन आवश्यक है और
वॉयलेंस के जो परफेक्ट जो काज है उसको भी हमको डिस्कस करना पड़ेगा कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम जो है पूरा सोसाइटी में वो सबसे बड़ा कारण डोमेस्टिक वॉयलेंस का एंड एल्कोहलिज्म एंड एडिक्ट, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं केंद्र पे आती है महिलाएं उनको देख रहा हूँ। तो आई एम नॉट ओनली एडवोकेट, आई एम सोशियो लीगल एक्टिविस्ट। तो हम महसूस करते हैं कि किस प्रकार से हम केवल कानूनी मदद नहीं करना चाहते हैं, हम उनका समाज के अंदर पुनर्वास भी चाहते हैं, उनका एम्पावरमेंट भी चाहते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डअप भी करना चाहते हैं। ये हमारा टारगेट्स हैं। आपने मुझे अवसर दिया, थैंक यू। Advocate Stefan Chesky, sorry if I am not pronouncing it correctly, from Rajasthan. बहुत शुक्रिया हूँ आप लोगों का कि आपने हमें इनवाइट किया और इस एक्ट पर और इसके प्रोसीजर पर हमें बोलने के लिए कार्रवाई किया। मैं अजमेरश्वरी से ताल्लुक रखता हूँ, अजमेरश्वरी राजस्थान में है। वहाँ पर मैं महिला सलाह एवं सुरक्षा केंद्र शाखा के मार्फत अपनी कानूनी सेवाएं देता हूँ और ये जब से उस विशाखा की शुरुआत हुई है तब से ही मैं उस विशाखा सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ और अब तक अपनी सेवाएं बरकरार रखा हुआ हूँ। मैं वैसे लीडिंग लॉयर हूँ, अजमेर और जयपुर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मौजूदा वक्त में मेरे को यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस से मुतालिक कोर्ट्स में किस तरह की पैरवी और किस तरह की दिक्कतें और किस तरह से महिलाओं को रिलीफ बाय वर्च्यू ऑफ प्रोसीजर दिलाई जा सकती है और किन किन दुश्वारियों को उनको सामना किया जा सकता है उससे संबंधित मुझे बोलना है। मैंने वेरियस मैटर फाइल किया है डोमेस्टिक वायलेंस के तहत और साथ ही दीगर मैट्रिमोनियल केसेस के मुतालिक। हमारे अजमेर में अभी मौजूदा वक्त के तहत डोमेस्टिक वायलेंस के तहत बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, बहुत ज़्यादा उस पर गौर किया जाता है और ये महसूस किया जाता है कि जो वुमेन अपना मैटर लेकर आई है उसको इस एक्ट के दायरे के किस हद तक रिलीफ दी जा सकती है, क्योंकि शुरुआती दौर में ये चर्चा का विषय बना था कि ये एक्ट भी आगे जाकर आने वाले वक्त में 2-4-5 साल में 498 की जो मौजूदा शक्ल है उसकी शक्ल तैयार कर लेगा। इस बाबत हमने विशाखा के माध्यम से हमारे जो विधि साक्षर एक पैनल बना हुआ है जजेस का, उनमें हमने एक मेमोरेंडम दिया। उस मेमोरेंडम के तहत हमने इस डोमेस्टिक वायलेंस के जो बेसिकली सेक्शंस हैं, जैसा मंजर अली साहब ने बहुत अच्छी तरह से विचार के लिए सेक्शन 26 ऑफ दिस एक्ट है, इसके संदर्भ में हमने उन लोगों को ये बताने की कोशिश की कि देखिए हम लोग एनजीओ से मुतालिक हैं और निःशुल्क रूपी बिना किसी फीस के महिलाओं से संबंधित जो मुकदमात हैं, जो मैट्रिमोनियल केसेस हैं, दूसरे प्रॉपर्टी से संबंधित केसेस हैं, वो हमारे सेंटर के मार्फत हम द्वारा पैरवी की जाती है उनकी। तो हमारे ऐसा उद्देश्य नहीं है और हम आपको एश्योर करते हैं कि हम ऐसे कोई सी मैनिपुलेटेड केसेस हम यहाँ पर फाइल हमारे सेंटर के माध्यम से कम नहीं करेंगे। तो उन्होंने हमें इसके लिए अवसर दिया और हमारी एक कॉन्फ्रेंस रखी गई और कॉन्फ्रेंस में हमारे जो भी व्यूज थे उन्होंने नोटेट किए और आज भी हमें उस सेंटर के माध्यम से जब हमें केसेस की पैरवी करनी पड़ती है तो हमें बहुत हद तक वो रिलीफ देते हैं। सबसे पहले हमारा रिलीफ का मुद्दा ये रहता है कि सब सेक्शन 20 के तहत जो भी एक्ट के तहत जो पिटीशन फाइल की जाती है, हमारा आफ्टर द सर्विस ऑफ द नॉन एप्लीकेंट सबसे पहले सेक्शन 23 की तरफ हमारे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सेक्शन 23 के तहत जब हम इनिशियली स्टेज पर कोई मेंटली कोई फाइनेंशियली रिलीफ अगर हम दिला देते हैं तो उस हद तक उस महिला जो पीड़ित महिला जो हमारे द्वार तक आती है, जो अदालत का दरवाजा खटखटाती है, उसको
जैसा कि दूसरे मुकदमा जो सेक्शन 125 में हमारा थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, सेक्शन 125 के तहत हमारा लॉन्ग प्रोसेस में ये आता है कि सेक्शन 125 की सर्विस के लिए हमें 6 से 7 महीने की तारीख दी जाती है। अब चूंकि उसमें दोनों ही तरह से सर्विस होती है, इस वजह से और फिर मुकदमों की बहुतायत भी है, मुकदमों की बहुत ज्यादा ज्यादती भी है मेट्रो फैमिली कोर्ट में, तो उस अखबार से हम सब तो पहले सेक्शन 23 के तहत डीबी एक्ट के तहत उनको फाइनेंशियली कम से कम रिलीफ को दिलाने की कोशिश करते हैं, जिससे उसका एक हिम्मत अफजाई हो, उसको ये एहसास हो कि मैं अदालत में गई हूँ क्योंकि अदालत ने मेरे को कुछ मेरी बातों को गौर किया है, प्राइवेट फैसला मेरा केस को फिर मानते हुए इंटरिम रिलीफ तो दी है। वो इंटरिम रिलीफ फिर हमें कोर्ट भी तो सपोर्ट कर दिया, हम बहुत उन लोगों के शुक्रगुजार हैं कि हमारी जो कॉन्फ्रेंस हुई, हमारी जो मीटिंग्स हुई, और जजमेंट से मुताल्लिक मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली वन ऑफ द मैटर पे एक जजमेंट आया है, उसमें कोर्ट ने जो नॉन एप्लीकेंट में डिफेंस किया था कि साहब इसका प्रीवियसली 125 के तहत 1000 रुपीज, उसके साथ एक डॉक्टर भी थी, वो तय किया गया था। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा आप मुनासिब समझे तो आप 100 कर दीजिए। हमारा ये था कि उस वक्त जब 125 फाइल की गई थी उस वक्त उसकी बच्ची की एज 4 ईयर थी, और आज मौजूदा दौर में जब इसकी डीबी एक्ट के तहत जो पिटीशन फाइल की है उसकी बच्ची की उम्र 12 ईयर्स हो गई है, 12 ईयर्स के तहत और उसकी जिम्मेदारियों का में ज्यादा हो गई है, और उसके साथ साथ उसकी पढ़ाई का और उसकी दीगर जो घर की जिम्मेदारी है उसके तहत भी इसकी अखराजात और उसके खर्चे वगैरह बढ़ गए हैं। तो हमारे उस कोर्ट ने हमारी इस आर्गुमेंट को कंसीडर किया और उसने 4000 पर मंथ का एंट्री ऑर्डर दिया सेक्शन 20 के तहत, और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि 125 में अगर आपने कोई ऑर्डर पास कर दिया, आपने कहा तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दी 125 की उसने नॉन एप्लीकेंट के लॉयर ने पेश की थी, तो कोर्ट ने उसको डिस्कस किया, तो उसने कि फाउंडेशन डीडी एक्ट के मुकदमत में नहीं है कि यदि 125 के तहत अगर कोई अमाउंट फिक्स कर दिया है तो उस 125 के तहत अमाउंट के फिक्सेशन से डीडी एक्ट को बाउंड हो, तो उसने डीडी एक्ट को इसकी परिधि से बाहर रहा और उसने मौजूदा दौर की उसके खर्चे वगैरह के उसकी जरूरियात को देखते हुए 4000 दिया। हालांकि उसको अनफॉर्चुनेटली खैर उसका राइट था, उसने उसको चैलेंज भी किया, वो अभी पेंडिंग भी है। तो मेरा मामला ये है, कहने को कुल लंबा गया है कि इस डीडी एक्ट में कुछ हमारे लॉयर्स ही उनसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे फ्रॉडसली और ऐसे मैनिपुलेटेड केसेस कम से कम दायर करें जिससे इसकी आने वाले वक्त पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं हो। तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने सुना और हमें इस और को डालने के लिए आगाज किया, शुक्रिया। मैं नाउ कॉल अपॉन एडवोकेट गायत्री फ्रॉम उत्तराखंड। गायत्री सर, ओके, सो वी नाउ मूव ऑन टू एडवोकेट हनीफ फ्रॉम गुजरात। एडवोकेट हनीफ,